और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं, लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोवैज्ञानिक को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था। और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें, बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि सीईओ जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है। और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते। और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है और फिल्म में और न अनन्या पांडे जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं और अभिनय उससे नहीं होता और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट सी जो कि लगती है और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सुदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्टिश रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टायसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टायसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमो में भूमिका निभा रहे हैं। और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और जो कि शेष लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए। दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है लेकिन लाइगर यहां भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहां ख़त्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज़ किया गया है जहाँ पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म के जो कि
फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो और पूरी जगानंद को जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दे लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं लेकिन यह उसके जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जगापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि सीईओ जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमेक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की जरूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की जरूरत है और फिल्म में और न अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है और अभिनय उससे नहीं होता और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकता हट से जो कि लगती है और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सीध नहीं जो कि जचती और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कई कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है।
आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पुरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्ट्स रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टाइसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टाइसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमो में भूमिका निभा रहे हैं और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और जो कि शेष लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशी जो कि बातचीत सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्रोस द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वही फिल्म की कहानी जो कि कमजोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमजोर फिल्म है और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए। दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत खराब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ खत्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज किया गया है जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दें
वहीं आप लोगों को बता दें, लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड नहीं गुड फिल्म नहीं है और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी हुई नहीं है और बगरी नहीं होती है और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें, बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि सीईओ जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है और फिल्म में और ना अनन्या पांडे जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं और अभिनय उससे नहीं होता और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट सी जो कि लगती है और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सौदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्टिश रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टायसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनी रॉय ने जो कि अभिनय किया है और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टायसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमियो में भूमिका निभा रहे हैं और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और जो कि शेष लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेताश लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि सवन जो कि दोयाम और दर्जे के हैं और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए। दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ ख़त्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती
हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस होस्ट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। तानिया लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगन्नाथ का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज़ हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दें लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि CEO जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है और फिल्म में और ना अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है और अभिनय उससे नहीं होता और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उक
हट सी जो कि लगती है, और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सुदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती, और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कई कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है, और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्ट्स रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टाइसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है, और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है, और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है, जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टाइसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमियो में भूमिका निभा रहे हैं, और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी, और जो कि शेषेश लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी, और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है, और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेताश लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की, और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है, और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि सवन जो कि दोयाम और दर्जे के हैं, और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं, लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए, दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है। लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है, और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ ख़त्म कर देना चाहिए, और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं, और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस होस्ट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म के जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से। इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पूरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपने फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था, और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था, और इसके जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉग की कहानी है, लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं, और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है, और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है, और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है, और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है, और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था।
और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में बेटा ही जो कि एक किस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है, और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है, लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो। और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दे लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है, और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए, और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है, और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है, और ये दर्शकों को जो कि दर का जो कि इम्तिहान लेती है, और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगड़ी नहीं होती है, और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं, और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है, और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं, लेकिन यह है उसके जो कि हकलाहट नकली लगती है, और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था। और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दे बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं, और अपनी कंपनी के जो कि सीईओ जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है, और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमेक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते, और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है, और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं, और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की जरूरत है, और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की जरूरत है, और फिल्म में और ना अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है, और अभिनय उससे नहीं होता, और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट से जो कि लगती है, और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सुदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सीध नहीं जो कि जचती, और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता, और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दे जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है, और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्ट्स रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टायसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है, और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है, और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है, जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टायसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमो में भूमिका निभा रहे हैं, और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी, और जो कि शेष लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी, और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है, और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशी जो कि बातचीत सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्रोस द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वही फिल्म की कहानी जो कि कमजोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की, और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमजोर फिल्म है, और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं, और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं, लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि
कटार देखनी चाहिए, दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है। लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत खराब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ खत्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। दानिया लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगन्नाथ का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दें लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि CEO जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्म
फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है। और फिल्म में और न अनन्या पांडे, जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं और अभिनय उससे नहीं होता। और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट सी जो कि लगती है और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सौदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती। और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्टिश रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टाइसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में हैं जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टाइसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमो में भूमिका निभा रहे हैं। और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और जो कि शेषेश लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है। और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के विश्व सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए। दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है लेकिन लाइगर यहां भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहां ख़त्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज़ किया गया है जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। स्थानीय लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पूरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज़ हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है। और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था।
और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है, और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है, लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो, और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दे लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है, और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए, और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है, और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है, और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है, और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है, और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं, और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है, और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं, लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है, और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था, और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं, और अपनी कंपनी के जो कि CEO जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है, और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते, और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन हैं, और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं, और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है, और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है, और फिल्म में और न अनन्या पांडे जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं, और अभिनय उससे नहीं होता, और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट सी जो कि लगती है, और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सौदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती, और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता, और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है, और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्टिश रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टायसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है, और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है, और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में हैं, जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टायसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमो में भूमिका निभा रहे हैं, और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी, और जो कि शेष लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी, और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है, और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की, और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है, और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं, और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के विश्व सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं, लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि
कटार देखनी चाहिए, दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है। लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ ख़त्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। तानिया लाइगर फिल्म के जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दे लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगड़ी नहीं होती है और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को वो तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं लेकिन यह उसके जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जगापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि सीईओ जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमेक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की जरूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्म
फिल्माकरों को जो कि अब जाने की जरूरत है। और फिल्म में और ना अनन्या पांडे, जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है और अभिनय उससे नहीं होता। और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट से जो कि लगती है और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सुदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जस्ती। और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पुरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्ट्स रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टाइसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टाइसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमियो में भूमिका निभा रहे हैं। और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और जो कि शेष लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है। और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बातचीत सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्रोस द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वही फिल्म की कहानी जो कि कमजोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमजोर फिल्म है और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि सवन जो कि दोयाम और दर्जे के हैं और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के विश्व सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए। दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत खराब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ खत्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज किया गया है जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा कैरियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था।
और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा। लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है, और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है, लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो। और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दे लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है, और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए, और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है, और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है, और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है, और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है, और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं, और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है, और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं, लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है, और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था। और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं, और अपनी कंपनी के जो कि CEO जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है, और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते, और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है, और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं, और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है, और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है, और फिल्म में और न अनन्या पांडे जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं, और अभिनय उससे नहीं होता, और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकता हट सी जो कि लगती है, और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती, और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता, और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशक भी किया गया है, और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्टिश रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टायसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है, और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है, और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है, जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टायसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमो में भूमिका निभा रहे हैं, और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी, और जो कि शेष लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी, और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है, और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की, और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है, और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं, और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं, लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि
कटार देखनी चाहिए, दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है। लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ ख़त्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से। इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगन्नाथ का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज़ हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो और पूरी जगानंद को जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दें लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत उसे जो कि हकला के भी बनते हैं लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि CEO जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्म
फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है, और फिल्म में और न अनन्या पांडे, जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं और अभिनय उससे नहीं होता, और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट सी जो कि लगती है, और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सुदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती, और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कई कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है, और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्टिश रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टाइसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनी रॉय ने जो कि अभिनय किया है, और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है, और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है, जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टाइसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमियो में भूमिका निभा रहे हैं, और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी, और जो कि सिसेस लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी, और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है, और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की, और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है, और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं, और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं, लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए, दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है, लेकिन लाइगर यहां भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है, और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहां ख़त्म कर देना चाहिए, और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं, और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज किया गया है, जहाँ पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म के जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहाँ पर देखें बड़े आसानी से। इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पूरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपने फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था, और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा कैरियर संभाल लिया था, और इसके जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉग की कहानी है, लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं, और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है, और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है, और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है, और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है, और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था।
और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है, और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है, लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो, और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दे लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है, और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए, और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है, और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है, और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है, और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है, और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं, और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है, और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं, लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है, और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था, और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जगापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं, और अपनी कंपनी के जो कि सीईओ जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है, और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमेक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते, और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है, और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं, और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की जरूरत है, और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की जरूरत है, और फिल्म में और ना अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है, और अभिनय उससे नहीं होता, और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट से जो कि लगती है, और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सुदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जस्ती, और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता, और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दे जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है, और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्ट्स रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टायसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है, और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है, और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है, जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टायसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमो में भूमिका निभा रहे हैं, और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी, और जो कि शेष लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी, और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है, और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बातचीत सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्रोस द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वही फिल्म की कहानी जो कि कमजोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की, और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमजोर फिल्म है, और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं, और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं, लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि
कटार देखनी चाहिए, दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है। लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत खराब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ खत्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दे और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दे लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस सोर्स स्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से। इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगन्नाथ का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दें लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि CEO जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्म
फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है। और फिल्म में और ना अनन्या पांडे, जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं और अभिनय उससे नहीं होता। और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट सी जो कि लगती है और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सुदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती। और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्टिश रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टाइसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टाइसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमियो में भूमिका निभा रहे हैं। और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और जो कि शेषेश लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि सवन जो कि दोयाम और दर्जे के हैं और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए। दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है लेकिन लाइगर यहां भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहां ख़त्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस होस्ट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज़ किया गया है जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से। इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पूरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज़ हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है। और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था
और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है, और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है, लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो, और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दे लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है, और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए, और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है, और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है, और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है, और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है, और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं, और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है, और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं, लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है, और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था। और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं, और अपनी कंपनी के जो कि CEO जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है, और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते, और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है, और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं, और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है, और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है, और फिल्म में और ना अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं, और अभिनय उससे नहीं होता, और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट सी जो कि लगती है, और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सौदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती, और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता, और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है, और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्ट्स रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टायसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनी रॉय ने जो कि अभिनय किया है, और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है, और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है, जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टायसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमियो में भूमिका निभा रहे हैं, और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी, और जो कि शेष लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी, और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है, और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की, और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है, और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि सवन जो कि दोयाम और दर्जे के हैं, और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं, लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि
कटार देखनी चाहिए, दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है। लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ ख़त्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती। हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस होस्ट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म के जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से। इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपने फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा कैरियर संभाल लिया था और इसके जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉग की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रोप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दें लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है और इसे जज्बे के जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है और ये दर्शकों को जो कि दर का जो कि इम्तिहान लेती है और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगड़ी नहीं होती है और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं लेकिन यह उसके जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जगापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि सीईओ जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमेक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की जरूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्म
फिल्माकरों को जो कि अब जाने की जरूरत है। और फिल्म में और ना अनन्या पांडे, जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है और अभिनय उससे नहीं होता। और जब भी वो पर्दे पर आते हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट से जो कि लगती है और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सुदर्श में भी जो कि सिनेमा के हीरोइन से नहीं जो कि जचती। और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पुरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्टिश रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टाइसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टाइसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमियो में भूमिका निभा रहे हैं। और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और जो कि सिसेस लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशी जो कि बातचीत सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्रोस द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वही फिल्म की कहानी जो कि कमजोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमजोर फिल्म है और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि सवन जो कि दोयाम और दर्जे के हैं और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए। दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत खराब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ खत्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज किया गया है जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था।
और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा। लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है, और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है, लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो। और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दे लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है, और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है, और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है, और ये दर्शकों को जो कि द्वर का जो कि इम्तिहान लेती है, और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है, और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है, और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं, लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है, और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था। और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं, और अपनी कंपनी के जो कि CEO जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है, और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते, और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं, और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है, और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है, और फिल्म में और न अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं और अभिनय उससे नहीं होता, और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट सी जो कि लगती है, और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती, और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है, और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्टिश रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टायसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है, और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है, और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में हैं, जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टायसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमो में भूमिका निभा रहे हैं, और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी, और जो कि शेषेश लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी, और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है, और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की, और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है, और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के विश्व सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं, लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि
कटार देखनी चाहिए, दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है। लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ ख़त्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। तानिया लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगन्नाथ का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज़ हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दें लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि CEO जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्म
फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है। और फिल्म में और न अनन्या पांडे, जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं और अभिनय उससे नहीं होता। और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट सी जो कि लगती है और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सौदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती। और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्टिश रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टाइसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई। इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में हैं जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टाइसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमो में भूमिका निभा रहे हैं। और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और जो कि सिसेस लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है। और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के विश्व सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए। दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है लेकिन लाइगर यहां भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहां ख़त्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस होट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज किया गया है जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। तानिया लाइगर फिल्म के जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपने फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था।
और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में बेटा ही जो कि एक किस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है, और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है, लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो, और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दे लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है, और इसे जज्बे के जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है, और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है, और ये दर्शकों को जो कि दर का जो कि इम्तिहान लेती है, और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगड़ी नहीं होती है, और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं, और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है, और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं, लेकिन यह उसके जो कि हकलाहट नकली लगती है, और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था, और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दे बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं, और अपनी कंपनी के जो कि सीईओ जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है, और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमेक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते, और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है, और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं, और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की जरूरत है, और ना तो इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्माकरों को जो कि अब जाने की जरूरत है, और फिल्म में और ना अनन्या पांडे जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है, और अभिनय उससे नहीं होता, और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट से जो कि लगती है, और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सुदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जस्ती, और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता, और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दे जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है, और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्ट्स रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टायसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रवनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है, और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है, और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है, जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टायसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमो में भूमिका निभा रहे हैं, और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी, और जो कि सिसेस लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी, और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि पांड्या जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है, और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बातचीत सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्रोस द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वही फिल्म की कहानी जो कि कमजोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की, और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमजोर फिल्म है, और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि सवन जो कि दोयाम और दर्जे के हैं, और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं, लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि
कटार देखनी चाहिए, दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है। लेकिन लाइगर यहाँ भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत खराब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहाँ खत्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए लाइगर फिल्म की जो कि फिल्म स्टोरी और हिंदी में रिव्यू और फिल्म को कहां पर देखें बड़े आसानी से। इस वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे और फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दें पुरी जगानंद का जो कि नाम पहले ही हिंदी सिनेमा के दर्शकों का जो कि तब सुना था जब उनकी 2006 में रिलीज हुई फिल्म जो कि पोकरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी फिल्म वांटेड के रूप में बनाया था और फिल्म में सलमान खान जो कि पटरी से उतारा करियर संभाल लिया था और इसके भी जो कि पहले ही जो कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म जो कि बद्री को हिंदी में शर्त के चैलेंज के नाम से जो कि बना चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल लाइगर फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है। आप लोगों को बता दें दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर इधर जो कि हिंदी अब खबरें जो कि न्यूज़ जो कि पोर्टल्स में खूब चर्चा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिल्म लाइगर कहने को जो कि एक अंडरडॉन की कहानी है लेकिन इसकी जो कि असल और जो कि काबिलियत जो कि यानी दर्जनों लोगों से जो कि एक साथ भिड़ने की और उसकी जो कि कुव्वत पूरी जगानंद फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं और इसके बाद जो कि उसकी हर फाइट जो कि बेअसर होती है और फिल्म का जो कि त्रुप का पता पहले से ही खोल देने के बाद जो कि फिल्म का हर पत्ता दर्शकों से पहले रहता है और कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलने वाले माँ के बेटे की है और माँ बेटे ने जो कि इसी उम्मीद के साथ जो कि पाला है और जो कि किताब उसका पति नहीं हासिल कर पाया था और उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में बेटा ही जो कि एक हिस्से को फेंक बता देता है। मिक्स जो कि मार्शल आर्ट्स के जो कि कोचिंग से पहले दिन कोच कहता है और मुझे तुम्हारा जो कि कॉन्फिडेंस पसंद आया है लेकिन इसके पीछे जो टशन है उसे थोड़ा कम करो और पूरी जगानंद को जो कि यही जो कि फिल्म में कमी करने चाहिए था। और वहीं आप लोगों को बता दें लड़ना भिड़ना और जीतना एक जो कि आसानी जज्बा है और इसे जज्बे की जो कि कर्द भी करनी चाहिए और कायदे से जो कि जीती है। और फिल्म के हिट होते ही फिल्म के जो कि निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को जो कि याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि मुझसे कहा था कि एक जो कि हिंट फिल्म का इज ए गुड फिल्म है और लाइगर जो कि एक गुड फिल्म है और गुड फिल्म नहीं है और ये दर्शकों को जो कि धर का जो कि इम्तिहान लेती है और फिल्म में जो कि कहानी ठीक से जो कि बगरी नहीं होती है और जो कि पूरी जगानंद इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं से लड़नी और झगड़नी शुरू हो जाती है और हीरो के लिए दर्शक की जो कि सहानुभूति और जुटाने को बहुत तो उसे जो कि हकला के भी बनते हैं लेकिन यह उसकी जो कि हकलाहट नकली लगती है और हकलाहट के जो कि मनोविज्ञानी को ढंग से समझाकर उसे फिल्म के जो कि नायक का हथियार भी बना दिया जा सकता था और इस जो कि हकलाहट की वजह अगर अतीत की जो कि कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। आप लोगों को बता दें बतौर लेखक विफल रहने के साथ जो कि जग्गापुरी नंद ने फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और अपनी कंपनी के जो कि CEO जो कि विष्णु रेड्डी यानी विष को जो कि उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है और जो कि माइक टायसन भी जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते और करण जौहर की जो कि खास जो कि अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है और अपनों ही जो कि चमकाते रहते हैं और इस आदत से जो कि फिल्मकारों को जो कि अब बज आने की ज़रूरत है और ना तो बिस इस फिल्म का जो कि मूल्य जो कि वर्धन और इस आदत को जो कि फिल्म
फिल्माकरों को जो कि अब जाने की ज़रूरत है। और फिल्म में और न अनन्या पांडे, जो कि अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं और अभिनय उससे नहीं होता। और जब भी वो पर्दे पर आती हैं और दर्शकों को जो कि उकताहट सी जो कि लगती है और रूप से जो कि लव वर्ड और जो कि सदर्श में भी जो कि सिनेमा की हीरोइन सी नहीं जो कि जचती। और उन्हें विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी भी जो कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता और सब कुछ जो कि नकली सा दिखता है। आप लोगों को बता दें जो कि लाइगर फिल्म को जो कि पूरी जगानंद द्वारा लिखा गया है और फिल्म को निर्देशित भी किया गया है। और ये 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जो कि स्पोर्ट्स रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें विजय देवरकोंडा जो कि माइक टाइसन और अनन्या पांडे और रम्या किशन और जो कि रोनीत रॉय ने जो कि अभिनय किया है। और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जो कि एक साथ जो कि फिल्माई गई इस फिल्म का जो कि निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और जो कि पूरी जो कि कनेक्शन द्वारा किया गया है। और फिल्म में जो कि विजय देवरकोंडा हक लाने की जो कि समस्याओं के साथ जो कि फाइटर के रूप में है, जिसमें अमेरिकी जो कि मुक्केबाज जो कि माइक और जो कि टाइसन एक जो कि 20 तारीख जो कि कैमियो में भूमिका निभा रहे हैं। और इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और जो कि सिसेस लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। और लाइगर ने हिंदी सिनेमा में विजय देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में जो कि अनन्या पांडे की जो कि शुरुआत है। और जो कि इस फिल्म के गाने तकनीशिक जो कि बागची सुनील कश्यप और जो कि जानी डीजे जो कि चेतास लीजो और जॉर्ज और विक्रम मैक्टोर्स द्वारा रचित किया गया है। लाइगर को 25 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से जो कि रिलीज किया गया था। आप लोगों को बता दें वहीं फिल्म की कहानी जो कि कमज़ोर होने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाई नहीं की। और तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमज़ोर फिल्म है और फिल्म के जो कि हिंदी में लिखे जो कि संबंध जो कि दोयाम और दर्जे के हैं और हिंदी दर्शकों की जो कि भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। और विष्णु शर्मा ने सिनेमेटोग्राफी में जो कि इन दोनों के बीच सिनेमा के सारे जो कि पैतरे अजमाए हैं, लेकिन नए दौर का कैमरा कैसे काम करता है ये देखना तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म जो कि कटार देखनी चाहिए। दर्शक को जो कि कहानी का हिस्सा बना देगा और कैमरे ही जो कि असल काला है। लेकिन लाइगर यहां भी जो कि मात खाती और संपादन फिल्म का बहुत ख़राब है और जो कि जुनैद जो कि सिद्दीकी को समझ नहीं आता कि ये कोई सीन कहां ख़त्म कर देना चाहिए और लगातार फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के जो कि दौर में जो कि फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और लेकिन मामला जमा नहीं। आप लोगों को बता दें और नतीजा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। वहीं आप लोगों को बता दें लाइगर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जो कि आप लोग जाकर जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को वहीं पर रिलीज़ किया गया है, जहाँ पर आप बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं।